बॉलीवुड पर कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि गोविंदा भी कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए और घर पर ही क्वारंटीन है। एक्टर ने कहा कि डॉक्टरों की देखरेख में वो अभी हैं। रविवार सुबह कोरोना पॉजिटिव हुए गोविंदा ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवा लेने की अनुरोध की। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि मैंने अपना जांच कराया है और वायरस को दूर रखने के लिए सभी सावधानियां बरत रहा हूँ। आज सुबह हल्के लक्षणों के साथ मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। घर में बाकी सभी नेगेटिव आए हैं। सुनीता कुछ हफ्ते पहले कोविड-19 से ठीक हुई हैं। जी हाँ, गोविंदा ने आगे कहा कि मैं इस वक्त घर पर ही क्वारंटीन हूँ और सभी दिशा निर्देश का पालन कर रहा हूँ। मैं हर किसी से आवश्यक सावधानियाँ बरतने का अनुरोध करता हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सारी बातें खुद कही है गोविंदा ने अपने स्टेटमेंट में। और आपको बता दें, गोविंदा के सेक्रेटरी रहे शशि सिन्हा ने कहा कि गोविंदा को पिछले कुछ दिनों से कमजोरी और स्वाद के चले जाने का एहसास हो रहा था। ऐसे में शनिवार के दिन जब गोविंदा का कोरोना टेस्ट हुआ तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसे में अब गोविंदा ने पिछले कुछ दिनों में उनसे संपर्क में आने लोगों को टेस्ट कराने की अनुरोध की है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब उन्हें कोरोना वायरस के पॉजिटिव आने का पता चला, उसके पहले भी उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और जब उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। जी हाँ, तो आपको उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।